पंजाब के नांदेड़ हिमाचल च भी वक्-वक् थावां तों पाकिस्तानी गुवारे मिलने का मामला अजे ठंडा नहीं होया सी कि एक नौजवान वल्लों अपनी फेसबुक प्रोफाइल ते कीती कार्रवाई के चलदियां सुरक्षा एजेंसियां दे कन्न खड़े हो गए हन। अमीर खान नामक इस नौजवान ने अपने फेसबुक उत्ते लगाई प्रोफाइल च पाकिस्तानी झंडे के नाल उर्दू च कुछ लाइना पोस्ट कीतियां गईयां हन जिसनों लैके कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। दसनयोग है कि अमीर खान नाम के इस नौजवान ने 14 अगस्त को अपनी फेसबुक प्रोफाइल अपडेट की सी जिस ते पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस का जिक्र होने के नाल नाल पाकिस्तान का झंडा भी लगाया होया है। इन्ना ही नहीं इस फोटो फ्रेम च उर्दू च पाकिस्तानी प्रेम को दर्शादियां कुछ लाइना भी लिखिया गई हैं जिसके चलद हिंदू संगठन ने इसते कड़ी आपत्ति जताते हुए इस नौजवान के खिलाफ देश द्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। मंच के अहदेदारा का कहना है कि 15 अगस्त तो पहला प्रदेश के 2 जगह पाकिस्तानी गुब्बारे मिलना उस तो बाद इस नौजवान की इस पोस्ट ने यह साबित कर दिता है कि देश के अंदर कुछ देशविरोधी ताकत देश के खिलाफ लगातार काम कर रही हैं लेकिन फिर भी पुलिस इस लैके संजीदा नहीं है जो कि भविष्य देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूजे पासे इस मामले की पुष्टि करते हुए DSP श्री नैणा देवी पूरन चंद ने दसिया कि फेसबुक प्रोफाइल को लेकर शिकायत आई है जिसते थाना सवारकर च मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने दसिया कि पूछगिछ लई नौजवान अते उसकी मोबाइल कब्जे च ले लिया है अते मोबाइल जांच वास्ते FSL भेजा जाएगा। मेरा पंजाब न्यूज़ लई हिमाचल प्रदेश तो सुभाष चंदेल की विशेष रिपोर्ट। कल ही हिंदू जागरण बिलासपुर की टीम के संज्ञान में एक विषय आया जिसमें स्वारघाट थाना क्षेत्र से एक मुस्लिम युवक द्वारा 14 अगस्त को अपना प्रोफाइल पिक अपडेट किया गया और उसमें जो फ्रेम उसने जोड़ी वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की फ्रेम थी और एक पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस को जो है वो सेलिब्रेट करने का उसने एक प्रयास किया है। और आप देखिए कहीं ना कहीं ये विषय गंभीर इसलिए है क्योंकि इस देश का बंटवारा इस्लाम के कारण हुआ, मजहब के कारण हुआ और मजहब के नाम पर हुआ और हमारे बीच में रहने वाले ये लोग आज भी उस मानसिकता को कहीं ना कहीं पोषण देने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। और दूसरी बात, इस मामले में सबसे रोचक जो बात है जिस पर शायद पुलिस ने भी अभी ध्यान नहीं दिया है, उस व्यक्ति ने 14 अगस्त को तो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने वाली पोस्ट शेयर की, वो फ्रेम शेयर की उसने अपनी प्रोफाइल पिक पे, लेकिन 15 अगस्त को जब अपना भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है उस दिन उसने इस प्रकार की कोई पोस्ट शेयर नहीं की। 14 अगस्त हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक दिन है, हमारे लिए इसलिए भी इस दिन को हम एक भयंकर त्रासदी के रूप में मनाते हैं देश भर में। और इस बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है क्योंकि देखिए जब ये विभाजन हुआ था तो इसी दिन लाखों लाख हिंदुओं का कत्ल जो है धर्म के नाम पर कर दिया गया, लाखों लाख माताओं और बहनों के साथ जो है इन्हीं आतताइयों ने, इस्लामिक आतताइयों ने जो है अत्याचार किए थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की पोस्ट डाल करके, इस प्रकार की कृत्य करके ये लोग हमारे जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं और हमें उस कालखंड की पुनः याद दिला रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से इस्लाम के नाम पर हमने आपके देश को बांटा और आज भी हम उसी मानसिकता को लेकर के आप लोगों के बीच में रह करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पंचायत टाली में पिछले कल 16 अगस्त को तनबौल पंचायत से संबंधित एक व्यक्ति जो हमारी ग्राम पंचायत टाली में ही आजकल रह रहा है उसने अपनी फेसबुक आईडी पर देश के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। मेरा पुलिस प्रशासन से यह आग्रह रहेगा कि इस प्रकार के देश विरोधी कृत्यों की गहनता से छानबीन करें तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। थाना स्वारघाट में सुनीता शर्मा लेडी उसने एक शिकायत पत्र जिसमें देशद्रोही पोस्ट डालने के बारे में लिखा था, यह
शिकायत पत्र थाना में प्राप्त हुआ था, उसके ऊपर तन्नबौल का कोई व्यक्ति जो जिसके जो ननके हैं वो स्वरघाट थाना के अंतर्गत ही जिकात खाना पड़ता जगह पड़ती है, उसके वहाँ ननिहाल बताए गए हैं। तो इसके बारे में शिकायत आई है कि इसने अपने फेसबुक में हमारे जो भारतवर्ष भारत के देश विरोधी पोस्ट डाली है और पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखा है उर्दू, और ये जो शब्द हैं उर्दू में लिखे गए हैं। इस मामले इसमें जो मामला 153B इंडियन पेनल कोड में पंजीकृत किया गया है और इसमें जांच की